कल मैं जो स्टेटमेंट दिया था, लव जिहाद एक देश में ट्रेंड चला था, लव जिहाद उसी तरह एक चला था, व्यापार मंडल जिहाद, व्यापार जिहाद, लैंड जिहाद भी चला था हमारे हिंदुस्तान में, और सिवान में वोट जिहाद। जो मैंने कल स्टेटमेंट दिया वोट जिहाद, वो मैं ऐसे किसी जाति पर नहीं दिया, किसी जाति पर टिप्पणी नहीं किया हूं। वोट जिहाद का मतलब होता है कि चोला बदल के वोट मांगना, हिंदू मुस्लिम का टोपी पहन के वोट मांगे, मुस्लिम गेरुआ वस्त्र पहन के वोट मांगे, तो इसको बोलते हैं वोट जिहाद। और इसका स्टेटमेंट जैसे मैं दिया सिवान के माइनॉरिटी क्षेत्र में, अगर माइनॉरिटी के लोग जो सुन रहे हैं मुझे, मैंने माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं बोला। कल मेरे गाड़ी को रोका गया, मेरे ड्राइवर को मारा गया, मैंने FIR किया, मुस्लिम बस्ती में जाने से रोक दिया गया। मैंने मुसलमान पे कमेंट नहीं किया, मैंने मुसलमान जाति पे कमेंट नहीं किया, मैंने एज सिवान की जो भी चुनाव लड़े हैं उनके बारे में बताया कि कोई फुल सेंचुरी, कोई हाफ सेंचुरी मर्डर किया है, अपराध किया है, ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में बताया। हम पर्सनली जनता को ये बताना चाहते थे कि सिवान में जो भी प्रतिनिधि है वो सिर्फ चुनाव में सेवक बनते हैं, बाकी उनका रूप सबको पता है। मैंने FIR किया, कल हर बस्ती से मुझे रोका गया है, मेरे गाड़ी को रोका जा रहा है, चुनाव में मेरा चुनाव प्रचार रोका जा रहा है। आखिर क्यों? मुसलमान भाइयों से मैं पूछता हूं कि मैंने मुसलमान जाति पे कमेंट किया था, मैंने मुसलमान के खिलाफ बोला था, मैंने तो एक सब बोला था ना कि हिंदू अगर मुस्लिम बन के वोट मांगता है वो भी जिहाद है, और मुस्लिम हिंदू बन के लोगों को बरगला के, जुमलाबाजी करके ऐसे वोट मांगे तो उसको वोट जिहाद कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कर्म पे वोट मांगिए ना जी, हमारा क्या है, हम सलाह थोड़ी दे रहे हैं, सजेशन थोड़ी दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप वोट मांगिए, आप कर्म पे वोट मांगिए ना। सिवान की जनता से आग्रह है कि कोई भी आज कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी पद की चुनाव हो, चाहे MP हो, विधायक हो या छोटा चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए, कर्म, काम, सेवा, क्योंकि नेता का दूसरा नाम हमारे नजर से सेवक होता है, साहेब नहीं। अगर साहेब नेता बनने लगे तो फिर जनता उनको चुन के कुर्सी बैठाने का काम क्यों करे? जैसे कहा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं प्रशासनिक विभाग के लोग, जो जॉब करते हैं प्रशासनिक विभाग, वो पब्लिक सर्वेंट है, हम पब्लिक के सेवक हैं, पब्लिक हमें चुनती है, पब्लिक इसलिए चुनती है कि हम लोग उनकी सेवा करें, उनके बीच रह के उनके काम करें, उनकी मांगों को पूरा करें, उनके क्षेत्र का विकास करें, उनकी जरूरतों पे खड़ा रहे। नेता का मतलब जीवन जी, एक सवाल है, आपने कहा कि वोट जिहाद, हिंदू परिवार कई मन्नतें पूरी होती है तो अजमेर पे जा करके और वहाँ पे माथा टेकते हैं, और मुस्लिम भाई जब मन्नतें पूरी होती है तो छठ में वो व्रत भी करते हैं जी, तो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए हिसाब से, करना चाहिए, वो वोट जिहाद थोड़ी है जी। जैसे हम अगर टोपी लगा के दूसरे क्षेत्र में जाए, हम हिंदू है, हम बोले कि हम मुस्लिम है, हमारा नाम जीवन नहीं, हमारा नाम जीवन है, हम मुसलमान बन जाते हैं, वोट मांगने लगे तो ये वोट जिहाद है। हम उसको गुमराह न कर रहे हैं, हम जाति पर भड़का, जाति के खिलाफ काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, और मैं बोल दिया तो लोग मेरे विरोध में मेरे पोस्टर को फाड़ रहे हैं, मेरे गर्दन पे चाकू चलाया गया, मैंने पोस्टर पे मेरे गर्दन को काटा गया, बताया जा रहा है कि जीवन जादो तुम्हारा कत्ल होने वाला है, और मुझे क्या कोई मारेगा, जिस ऊपर वाला ना मारे तो धरती पर मारने वाला कौन है? तो आपसे लोग डर गए हैं क्या? आपकी लोग हम लोग से डर गए हैं, लोकप्रियता को देखकर घबरा गए हैं। क्यों लोग हमारे पोस्टर को फाड़ रहे हैं? अभी फाड़ने का स्टाइल है, ब्लेड मार रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, क्यों? सिर्फ मुस्लिम बस्ती में ही जाने से क्यों रोका जा रहा है? हम मुसलमान को टारगेट करके चुनाव लड़ रहे हैं, कहे हमने जाति के खिलाफ कुछ कैसी ऐसी कोई भी भाषा का प्रयोग किया, किसी भी जाति को चिन्हित किया? मैंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में बताया, मैंने सिर्फ एक चीज बोला कि पृथ्वीराज चौहान से अगर नाराजगी हो जाए तो मोहम्मद गौरी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, इसका भी कारण बता रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था, हर बार उसको छोड़ा, जान बख्शा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने एक बार हराया और उसकी आंखें निकाल लिया, ये सत्य है कि नहीं? ये मैंने कहानी नहीं ना बनाया है, उस कहानी को बोल देना कौन सी गलत बात है, किताब में लिखी हुई चीज है, गीता में लिखा है कि आज जो मेरा है कल वो आपका होगा, परसों किसी और का होगा, ये भी सत्य है।
इसीलिए तो मैं बदल गया। अगर मैं सेवक बना तो क्यों बना? आप भी सेवक बनिए। मैं सेवक सिर्फ एक कारण से बना कि मैंने गीता की बातों को समझा कि जो आज मेरा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। ये धन, ये शरीर किसी का नहीं है, ये शरीर नाश्वर है। अभी मृत्यु होगी तुरंत घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। घर में कोई लाश को रखता है, इसका नाम हो जाता है लाश, बॉडी। जीवन लोग हमको कहेंगे नहीं कहेंगे ना, ये नाश्वर है। इसलिए मैं बदल गया और आप भी बदलिए। तब अपने नाम के साथ सेवक लगाइए, लोगों की सेवा कीजिए। सिवान के जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन्हें किसी से कोई हमारी द्वेष नहीं है। बस हम इतना कहना चाहते, हाथ जोड़ के अपील करना चाहते कि आप लोग भी सेवा कीजिए, सेवादारी से चुनाव लड़िए ना। जुमलेबाजी से झूठ बोल के, राजनीति करके, कूटनीति करके कब तक राजनीति चलेगा? आपकी राजनीति आप कीजिए, मेरी राजनीति सेवा है, हम सेवा करते रहेंगे। वोट मिले ना मिले, मैं सेवादार हूँ, सेवक हूँ, सेवा करता रहूंगा। एमपी बनू ना बनू, विधायक बनू ना बनू, सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं एमपी नहीं बन सकता हूँ क्योंकि जनता के हाथ में भगवान के हाथ में है। मैं विधायक नहीं बन सकता हूँ, जनता के हाथ में भगवान के हाथ में। लेकिन सेवक हूँ उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ना मैं हिंदू को अपने यहाँ इलाज कराता हूँ और ना मुस्लिम को रोकता हूँ। आज तक अभी परसों सुबह में पेट में इतना गोला लेके एक मुसलमान परिवार आया था, एक मुस्लिम पत्रकार वहीं थे। मैंने पूछा कि इसका इलाज किनको कराना चाहिए, मैंने पूछा कि इनका इलाज किनको कराना चाहिए। ऐसे एक लाइन में पूछा कि आपको, आपके नेतृत्वकर्ता भी है, आप वहां जाइए, उनसे मदद मांगिए, आपको लगता है तो। वो एक शब्द बोला, सिर्फ एक शब्द, कि हमको आपसे उम्मीद है, हमको आपसे उम्मीद है, आप करेंगे। मैंने सेवा किया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर पूछा कि इस आदमी के मानसिकता में क्या है। वोट की राजनीति के लिए आप सेवक बन जाइएगा, और जहां सेवा की बात आएगी, आप सेवक कुछ नहीं, एक भी सेवा करके कोई दिखाया, एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल। और आज सुनिए, पीसी का मेन उद्देश्य क्या है। कल मुझे फोन आता है तो कहा जा रहा है कि आप एनडीए को समर्थन कर दिए, हमें पहला फोन है, मैंने जो चर्चा में है, मैं वहां गया कि एनडीए को समर्थन कर दिए। हमने बोला भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, लीडिंग कैंडिडेट है, हम एनडीए को कैसे समर्थन करेंगे, हम खुद एनडीए हैं। हमने उसको जवाब दिया हम खुद एनडीए हैं। भाया मीडिया से है आप, वो बोले कि वो भाया मीडिया से है, कल सरकार बदल जाएगी ना, कुर्सियां खसक जाएंगी, लेकिन जीवन या तो डायरेक्ट दिल्ली जाएगा, डायरेक्ट हाथों को मजबूत करेंगे हम। दूसरा भाया, कहीं कहा जा रहा है आरजेडी को हम समर्थन दे दिए, घूम घूम के लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैंने आरजेडी को समर्थन कर दिया, आरजेडी का मदद कर दिया। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं जनता के बीच जा रहा हूं, मैं आरजेडी के लिए क्यों समर्थन करूंगा? कल चल रहा है मेरा, दो साल पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था नगर परिषद के चुनाव में कि एक मौका मिलना चाहिए। उस समय मैं चुनाव नहीं लड़ा था, किसी ने सवाल किया, मैंने कहा मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो जनता तय करेगी ना, और मिलना चाहिए तो आप जनता की सेवक बनिए ना, जनता का सेवक बनिए, आपको जनता मौका देगी। हम भी आए हैं तो हम पे वोट मांग रहे हैं, हम जाति पे वोट नहीं मांग रहे। ये कौन लोग हैं जो रूमर फैला रहे हैं आपके बारे में? जो प्रत्याशी लड़े उन्हीं के लोग होंगे ना। मैंने कभी कहा कि मुझे एनडीए ने समर्थन किया, मुझे राजद ने समर्थन किया, मुझे कभी वो लोगों ने समर्थन किया? मैंने कहा नहीं, मैं अपना चुनाव अपने काम से लड़ रहा हूँ, जो लोगों को भी जाके हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि सिवान को शिक्षित और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी है। ये किसी नेता के बस की बात नहीं है, किसी नेता की बस की बात नहीं है। मैं मीडिया में कह रहा हूँ, खुल के आके डिबेट का ही नहीं कोई कर लिया मुझसे। है किसी में दम तो खुल के आके डिबेट करे कि नहीं, मैं जीवन यादव से डिबेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं पूछूंगा सवाल कि आप किस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किए आप सिवान के लिए? अपराध के सिवा आपने सिवान को दिया क्या है? जितने प्रत्याशी है कोई नियमावली में चलता है, कोई आपराधिक व्यवस्था में जिया, कोई इस पार्टी में रहा जिला अध्यक्ष, कभी उस पार्टी में, कोई कभी को उस पार्टी में। अरे यार, एक अस्तित्व होना चाहिए इंसान का। और देखिए ऊपर नीचे ऊपर बैठे नेताजी लोग से आग्रह करेंगे कि इस पार्टी घूमने वाले को बुला के टिकट मिल जाता है, और जो 24 घंटा सेवा में रहता है उसका नाम ही नहीं आता है, क्योंकि वो बड़े नेता का चमचा ही नहीं करता है ना। अब हम जैसे लोग जाके नेता का चमचा ही करेंगे तो सेवा कब करेंगे?
यहाँ रहेंगे तब न कोई आएगा तब उसकी सेवा करेंगे। अब हम पटना रहेंगे और किसी के पेट में पथरी हो जाए और चटपटा रहा है तो पटना जाके उन्हीं ने मेरे पास आएगा। यहाँ ऑफिस बनेंगे तब ना हम उसका इलाज करा पाएंगे। किसी की बेटी की शादी है पैसा नहीं है तो मैं यहाँ रहूंगा तब ना आएगा तो उसकी बेटी की शादी में मदद करूंगा। किसी का घर जल गया रोड पे आ गया, ऐसे बहुत सारे लोग इस बार घर जलाए, मैं बनवा दिया घर जाके उसका मदद किया तो मैं यहाँ था तब न किया। अब एक साथ जीवन यादव दो काम कैसे कर सकता है, नेता की चमचाई भी कर ले और सेवा भी कर ले। मुझे एमपी नहीं बनने का लालच है, मुझे लालच इतना ही है कि मेरे सिवान के साथ जो ठगी हो रहा है वो ना हो। हमारी जनता से आग्रह है कि सिवान में जातीय प्रथा और पार्टी प्रथा को तोड़ते हुए एक मौका, कल का इतिहास बनेगा कि सब नेता लोगों को जमीन पे आके काम करना पड़ेगा। हर नेता जमीन पे आएंगे और काम करेंगे कि जीवन यादव ने सेवा के बल पे चुनाव जीता, जैसे मैंने नगर परिषद को जीता सेवा के बल पे। आज 1.5 साल में जो मैंने काम करके दिखाया वो पूरे 35 साल में किसी नेता ने नहीं करके दिखाया, और उसमें भी मैं नया हूँ, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे माता पिता कोई बड़े बाप के हम बेटे नहीं है, ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है। अरे जो खरीदे थे जो कमाए थे गोरखपुर में वो सिवान में आकर खर्चा कर रहे हैं। चुनाव के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, लोग मदद कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सब कोई कह रहा है मुझे समर्थन कर दिए, मुझे क्यों करूंगा किसी को समर्थन? अपराधी को जीवन यादव समर्थन करेगा? हत्या करने वाले सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारने वाले को हम आप समर्थन करेंगे? हम राजनीति त्याग देंगे, हम सेवा करते हैं सेवा ही करेंगे लेकिन किसी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम भी सिवान के लिए नए थे अब नए नहीं है। हम जानते हैं कि किसके दामन में कितना छेद है, किसके दामन में कितनी हत्या है, कितना खून लगा है, छिपा नहीं है सिवान की जनता से। लेकिन सिवान की जनता समझदार है, इस बार जरूर मुझे विश्वास है, अपील भी किया हूं, विश्वास है कि अपराध नहीं चलेगा और अपराधी नहीं आएंगे।